बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ़हमीनाज़ किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो आज की हमारी रेसिपी है दाल माश। ये बहुत ही जल्दी और बड़ी मज़े की रेसिपी है, तो वो मैं साथ साथ में आपको रेसिपी में बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून है। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। तकरीबन मैंने 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं। साथ ही मैं इसमें 1 टमाटर डाल दूंगी दरमियाने साइज का, 2 इंच अदरक का टुकड़ा उसको मैंने कद्दूकस कर दिया, और 1 गड्डी लहसुन की। अब इसको हम तकरीबन ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। बहुत ही फटाफट से तैयार होने वाली मैं माश दाल की रेसिपी आपको बता रही हूँ। अब प्लीज़ लास्ट तक मेरी वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा ताकि आपको एक मुकम्मल रेसिपी मिल सके। ये देखिए प्याज जो है हमारा नरम हो गया। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून डालूँगी नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, और 1 टी स्पून मैं डालूँगी हल्दी। इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए इस तरह से भूनूंगी। मसाला हमारा भून गया है, अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें साबुत ज़ीरा, मैं इसमें डालूंगी दाल माश। इसमें डालूंगी दाल माश, मैंने तकरीबन 1/2 केजी ली है। अब इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे इस तरह से मसाले में। दो मिनट हो गए इसको भूनते हुए, अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और मैं इसको अब तकरीबन 2 सीटियों तक प्रेशर कुकर को चला लूँगी। ये देखिए दाल का जो पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, और इसमें मैंने ऑलरेडी वो डाल दिया था इसके अंदर, दाल का पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो गया और देखिए ऑयल भी निकल आया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो देखिए इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही सिंपल सी और बड़ी आसान सी मैंने दाल माश रेडी कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।